बॉक्सर विजेंद्र हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम वेट कर रहे हैं भैया, इसलिए हम सपोर्ट देने वहाँ गए थे। जब विभूषण शरण सिंह पर भी कार्रवाई नहीं हुई, 72 घंटे हो गए हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि फांसी पर लटक जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, अभी अभी जो कार्रवाई जो चल रही है, आई थिंक उसका हम वेट कर रहे हैं कि जल्द से कार्रवाई हो, क्या कार्रवाई होगी उसके बाद हम बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। आप प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी आपने सवाल उठाए, आपको क्या पूछना चाहिए? ऑफ कोर्स ये, बिकॉज वो बहुत बड़े पद पर हैं और कहते हैं कि सब लोग उनका मान सम्मान करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और बताएं कि क्या सच्चाई है। आपको लगता है कि WFI में जिस तरीके से नेताओं का कब्जा है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? आई थिंक आरोप लगाए आप वो देखिए ना, क्या सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया है अभी, उसमें FIR भी दर्ज की गई थी, तो उसमें देखते हैं अभी क्या कार्रवाई। क्या मांग करते हैं? जी, जांच हो इसकी, और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो, खिलाड़ी के हाथ कोई अन्याय ना हो। तो ये बॉक्सर विजेंदर है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यौन शोषण का मामला सामने आया है, तो जो बृजभूषण शरण सिंह है, इस पर जांच होनी चाहिए और उचित समाधान की ये मांग कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है।